हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे साउथ की स्पेशल घी पूरी राइस की रेसिपी। अगर आपको फ्राइड राइस खाना बहुत पसंद है और आप अलग अलग तरह की फ्राइड राइस ट्राई करते रहते हैं तो ये रेसिपी भी आप जरूर बना के ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। चावल को हम घी और पोड़ी मसाले के साथ बनाने वाले हैं। पोड़ी मसाला बेसिकली कुछ दालें और सूखे खड़े मसाले का मिक्सचर होता है जो बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो चलिए देखते हैं घी पोड़ी राइस को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले एक पैन को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए। पैन गर्म हो गया है तो फ्लेम को लो पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक टीस्पून घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो डालेंगे एक टेबलस्पून चना दाल, एक टेबलस्पून उड़द दाल, आधा टेबलस्पून तुअर दाल या अरहर की दाल भी जिसे बोला जाता है वो डाल लेंगे। इन्हें लो फ्लेम पर हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है या जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल और इसे भी भून लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तिल से चटकने की आवाज़ आने लगी है और हल्का गोल्डन ब्राउन भी हो गया है ये। तो अब इसमें डालेंगे 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून खड़ा जीरा, 10 से 12 काली मिर्च या जिसे गोल मिर्च भी बोलते हैं वो डाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 15 से 20 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून सूखे नारियल का बुरादा, 1/4 टीस्पून हींग का पाउडर और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लो फ्लेम पर ही इन सभी को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है हमें अच्छे से। इन्हें हमें लगातार चलाते हुए भुनना है ताकि ये जले नहीं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे एक ब्लेंडर में निकाल लें और कुछ इस तरह से हल्का दरदरा इसे पीस लें। पोड़ी मसाला पाउडर बनकर तैयार है। अब एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून घी। फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई या काला सरसों। इसे तड़कने देंगे। अब डालेंगे 1/2 टीस्पून चना दाल, 1/2 टीस्पून उड़द दाल, 10 से 12 करी पत्ते, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। फिर डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 से 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज हल्का गुलाबी रंग का हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 10 से 15 काजू और 2 मिनट के लिए काजू को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। काजू को हमें बीच से स्लिट करके लेना है। प्याज और काजू अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ हमने पोड़ी मसाले में भी किया है, इसलिए यहाँ हमें इसका यूज़ थोड़ा कम ही करना है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है या तब तक जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं टमाटर को भूनते हुए, आप देख सकते हैं ये अच्छे से नर्म हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 और आधा कप पके हुए चावल। इन्हें चावल के साथ अच्छे से मिला लेंगे और लीजिए बनकर तैयार है घी पोड़ी राइस की बहुत ही टेस्टी डिश। तो है ना ये आसान सी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इसे ट्राई कर मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू, टेक केयर।